हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं यूट्यूब पे आपके लिए एक और वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले हमने CSS अप्लाई करने के दो तरीके देखे। HTML पे अपन ने CSS अप्लाई करने के लिए एम्बेडेड मेथड देखा और एक्सटर्नल मेथड देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनलाइन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इनलाइन मेथड। तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्सटर्नल वाले कोड को। इसको मैंने कॉपी किया और अलग से एक फाइल बना लेता हूँ। इनलाइन मेथड, ठीक है, मैंने एक HTML की फाइल बना ली। इसमें अपन को केवल एक ही HTML की फाइल बनानी पड़ेगी, एक्सटर्नल वाले में आपको अलग से CSS फाइल बनाना है। ठीक है, तो मैंने उसी कोड को पेस्ट कर दिया जो एक्सटर्नल वाला कोड था। ठीक है, इनलाइन को आप मिक्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे आप अगर चाहो तो एक्सटर्नल और इनलाइन दोनों को एक साथ यूज़ कर लो। ठीक है, या फिर एम्बेडेड और इनलाइन को यूज़ कर लो, एक्सटर्नल या इनलाइन और इनलाइन और एम्बेडेड दोनों एक साथ यूज़ कर लिए। ठीक है, इनलाइन को अपन मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एम्बेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पेज में एक्सटर्नल स्टाइल भी लगाया हुआ है, एक्सटर्नल मेथड भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, साथ ही साथ मैं इनलाइन स्टाइल भी आपको लगाना सिखाता हूँ, इनलाइन मेथड। ठीक है, तो इनलाइन का यूज़ क्या है? इनलाइन का यूज़ ये है कि इनलाइन जो होता है पार्टिकुलर टेक के लिए होता है, उससे अपन किसी पार्टिकुलर टेक पे स्टाइल लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अपने पास तीन हेडिंग्स हैं। ठीक है, तीन हमारे पास हेडिंग्स हैं। अब इसको अगर मैं अभी चला के दिखाता हूँ आपको, अभी इसमें अपन ने एक्सटर्नल स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। एक्सटर्नल स्टाइल में अपन ने H2 पे कलर दिया था रेड और फॉन्ट साइज़ दिया था 40 पॉइंट। ठीक है, तो वही स्टाइल इस पे आएगा। ठीक है, कलर था रेड। ठीक है, तो जितने भी H2 होंगे सब पे रेड कलर आएगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल स्टाइल लगाया हुआ है। ठीक है, तो तीन H2 थे, तीनों पे रेड कलर आ रहा है। लेकिन मतलब जितने भी H2 होंगे आपके पेज में, 100 H2 हैं, 200 H2 हैं, तो सभी पे रेड कलर आएगा अगर आपने एम्बेडेड और एक्सटर्नल का यूज़ किया। अगर एक जैसा काम करना हो, सिमिलर वर्क करना हो, तो आप एम्बेडेड या एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हो। एक ही बार स्टाइल लगाओगे सभी पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी पार्टिकुलर में आपको चेंज दिखाना हो, जैसे 100 हेडिंग्स हैं, 100 हेडिंग्स में से 99 में मुझे रेड कलर देना है और एक में मुझे ब्लू कलर देना है, तो उस एक के लिए आप क्या करोगे? तो वो जो एक हेडिंग है 99 में, तो आपको सिमिलर रेड कलर देना है, तो आप क्या लगा दोगे? एम्बेडेड या एक्सटर्नल लगा दोगे। लेकिन किसी एक में डिफरेंट करना है तो आप वहाँ पर इनलाइन का यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो मैं तीसरे वाली हेडिंग में, तीसरा वाला जो H2 है, उसमें मैं इनलाइन स्टाइल लगा देता हूँ। इनलाइन स्टाइल लगाने का तरीका होता है, उस पार्टिकुलर टेक के अंदर जाते हैं और स्टाइल को एज एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको स्टाइल देनी हो। H2 स्टाइल इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दी, मैंने कलर को चेंज कर दिया, कलर को मैंने कर दिया ग्रीन। ठीक है, तो इन दोनों H2 में तो रेड कलर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड कलर स्पेसिफाई किया हुआ है। जितनी भी हेडिंग्स होंगी, जितने भी H2 आप यूज़ करोगे पेज के अंदर, उन सब में रेड कलर आएगा। लेकिन इस वाले H2 पे अपन ने इनलाइन स्टाइल का यूज़ कर लिया, तो इसमें जो है ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, तो इनलाइन जो होता है पार्टिकुलर के लिए होता है। तो आप देख रहे हो जो तीसरी हेडिंग है, उसमें जो अपना थर्ड H2 टैग है, उसमें ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, तो ये इनलाइन अप्लाई करने का तरीका होता है, किसी भी टेक के अंदर स्टाइल को एज एट्रीब्यूट इक्वल टू करके डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको स्टाइल डिफाइन करनी हो, एक के बाद अगर एक एक और स्टाइल देनी है तो वही तरीका, सेमी कोलन, एक के बाद दूसरी स्टाइल देनी है तो सेमी कोलन, फिर जो भी आपको स्टाइल देनी है कलर के बाद। सपोज़ मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन एक और स्टाइल दे देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने H2 के अंदर दो स्टाइल दी हुई हैं, रेड और फॉन्ट साइज 40। ठीक है, फॉन्ट साइज तो H2 जो हमारा इनलाइन
इनलाइन में जो स्टाइल हम दे रहे हैं वो स्टाइल इनलाइन के थ्रू आएगी, है ना। मतलब कलर ग्रीन आएगा, टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर आएगा, लेकिन फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, तो फॉन्ट साइज वो यहाँ से लेगा। ठीक है, कलर भी पहले उसने यहाँ से लिया होगा, लेकिन बाद में अपन ने इनलाइन लगा दिया तो कलर जो है वापस ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टाइल हमने यहाँ पे अप्लाई की है वो यहाँ से लेगा, और जो स्टाइल्स हमने नहीं लगाई हैं तो वो यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको सेव किया, एक के बाद एक स्टाइल लगानी है तो सेमी कॉलन, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो कि हेडिंग जो है सेंटर में आ गई, है ना। तो इनलाइन पार्टिकुलर के लिए होता है, जिस पे आप अप्लाई करते हो केवल उसी पे अप्लाई होता है ना। जिस पे आप इनलाइन स्टाइल लगाते हो केवल उसी टेक पे स्टाइल आएगी, किसी दूसरे पे नहीं आएगी। और एम्बेडेड और एक्सटर्नल से एक ही बार आप अप्लाई करते हो, सभी पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आप चाहो तो इसमें भी लगा के देख लेना, पैराग्राफ पे। ठीक है, तीन पैराग्राफ है, किसी एक में आप स्टाइल लगा के देखोगे, है ना, इनलाइन स्टाइल लगा के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग, एंजॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी।